Dear students, today we have to start third part of the chapter jugs and mugs. Okay, how many glasses? हमने इसके first part, इसके पहले वाले part में हमने क्या देखा था कि हमने हमारे घर के different different जो atoms है उसमें कितने पानी hold करके रख सकते हैं ये हमने देखा था. Okay, तो अब I hope आपने भी try किया होगा घर में. अब देखते हैं how many glasses. यहाँ पे pot दिया हुआ है, ये pot A एंड पॉट बी, फिर ग्लास दिया है. ओके, पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लास फुल ऑफ वाटर. तो पॉट बी में कितने ग्लासेस ऑफ वाटर आता है, यहाँ पे 11 ग्लासेस. पूरा ये ग्लास फिलअप करके फुल ग्लासेस 11 आते हैं. ओके, एंड पॉट ए होल्ड्स ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी. पॉट बी में इससे ट्वाइस वाटर और उससे भी ज़्यादा आ सकता है. तो ट्वाइस मतलब कितना होता है, 11 ट्वाइस मतलब 22. तो यहाँ पे 22 ग्लासेस पानी यहाँ पे आ सकता है पॉट ए में और 11 ग्लासेस ऑफ वाटर पोर इन पॉट बी. ओके, देन हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए. पॉट ए को फिल करने के लिए कितने ग्लासेस चाहिए. तो पॉट ए होल्ड ट्वाइस एज मच वाटर एज पॉट बी एंड पॉट बी होल्ड्स 11 ग्लासेस ऑफ वाटर. दैट इज 11 ग्लासेस मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 22 ग्लासेस. तो पॉट ए जो है वो 22 ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए. तो यहाँ पे लिखेंगे हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल पॉट ए. यहाँ पे लिखेंगे 22 ग्लासेस ऑफ वाटर. Glasses of water are needed to fill pot A. Filling potholes. Filling potholes. This is a small town near Kohima. There are some potholes in the road. Before the rain comes, children want to fill the holes with pebbles. They brings pebbles in mug of the same size. यहाँ पे ये small town है, यहाँ पे बहुत सारे pot holes है इन रोड पे. तो before rain, जब बारिश आने के पहले ये लोग क्या सोच रहे हैं, children want to fill the holes, ये holes pour करना चाहते हैं, fill करना चाहते हैं with pebbles. They bring pebbles in mug of the same size. उन्होंने अपने जो same size के मग होते हैं उसमें अपने पेबल्स फिलअप किए. देन होल ए गेट्स फिल्ड विथ 9 मग्स ऑफ पेबल्स. जब पहला जो उन्होंने होल्स फिल किया तो उसमें कितना पेबल्स लगे, 9 मग्स ऑफ पेबल्स. उनके पेबल्स के 9 मग उसमें पोर किए तब उनका जो है होल ए फिल हुआ है. देन होल बी गेट्स फिल विथ 18 मग्स ऑफ पेबल्स. होल ए को कितने मग्स ऑफ पेबल्स लगे, 9 मग्स ऑफ पेबल्स. होल बी को 18 मग्स ऑफ पेबल्स जब पोर किए उसमें तो वो फिल हो गया. ओके, एंड होल सी गेट्स फिल विथ 12 मग्स ऑफ पेबल्स. और होल सी में उन्होंने कितने मग्स पेबल उन्होंने फिल किया, तो 12 मग्स पेबल उन्होंने फिल किया. ओके, मार्क ए बी सी ऑन द राइट होल इन द पिक्चर. अब यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया है और बच्चों के हाथ में क्या है, मग्स है. मग्स है, उन्होंने सेम साइज के मग लिए, उसमें उन्होंने पेबल फिल किए. सेम साइज के मग मतलब सेम ही पेबल्स आएंगे, सब में पेबल्स आएंगे. तो उन्होंने क्या किया, जब होल ए फिल किया तो उसमें ऐसे 9 मग्स लगे, 9 मग भर के पेबल्स उन्होंने उसमें फिल किए तो उनका होल ए फिल हो गया. होल बी में उन्होंने कितने 18 मग्स यूज़ किए, 18 मग्स पेबल यूज़ किए तो उनका होल बी फिल हुआ. एंड होल सी में उन्होंने कितने मग्स फिल किए पेबल के, उन्होंने 12 मग्स पेबल उन्होंने वहाँ पे फिल किया तो उनका होल सी पैक हो गया, फिल हो गया. तो आपको यहाँ पे बोला है कि मार्क करो ए बी सी ऑन द राइट होल इन दिस पिक्चर. इस होल में जो भी पिक्चर दिए हैं उसको ए बी सी से, किसमें 9 मग यूज हुए, किसमें 18 मग्स यूज हुए, किसमें 12 मग्स पेबल्स यूज हुए, ऐसे ए बी सी हमें इसको नाम देने हैं.
इस पिक्चर में देखिए यहाँ पे कितने बड़े पेपर्स दिख रहे हैं, ये छोटा है, ये उससे बड़ा है और ये इससे छोटा है, तो सबसे कम 9 मार्क्स वाला पेपर ये हो सकता है। ओके, छोटा दिख रहा है इसलिए हम इसको देंगे ए। फिर सेकेंड होल बी में कितने मार्क्स डाले थे, 18 मार्क्स, तो हम यहाँ पे होल बी, तो ये हो सकता है बी। और उसके बाद 12 मार्क, 12 मार्क तो छोटा था ना इसलिए हमने इसको बढ़ा लिया, और ये है सी। ओके, ए बी एंड सी इस तरह हमने मार्क किया। देन सेकेंड क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट पॉट होल, तो सबसे बड़ा पॉट होल कौन सा है, तो यहाँ पे दिख रहा है जिसमें 18 मार्क यूज़ हुए, तो बी इज़ द बिगेस्ट पॉट होल, तो यहाँ पे लिखो बी इज़ द बिगेस्ट पॉट होल, बी इज द बिगेस्ट पॉट होल, विच इज द बिगेस्ट पॉट होल, बी इज द बिगेस्ट पॉट होल। देन इफ यू आर यूज्ड होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 मग्स, आप जो होल ए गेट्स फिल्ड विथ 5 जग्स, हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, होल ए को फिल करने के लिए अगर आपको 5 जग्स पेबल चाहिए होते तो हाउ मेनी जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। यहाँ पे देखिए ये है होल ए, इसमें कितने मग्स लगे, 9 मग, तो होल बी में कितने आए, 18 मग्स, मतलब उसके डबल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा इफ सपोज इसमें आपको ए में 5 मग आप यूज़ करते तो आपको बी में कितना लगता है, इससे डबल है ना, 9 2 18, तो 5 2 10, तो यहाँ पे कितना लगता है, 10 मग्स। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे यहाँ पे कि 10 जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी, 10 जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल होल बी। ये कैसे फाइंड आउट किया, समझ में आया ना, जैसे पॉट बी नीड्स डबल द अमाउंट ऑफ पेबल्स देन पॉट ए, पॉट ए से डबल अमाउंट चाहिए थी पॉट बी में, देन सो 5 जग्स मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10 जग्स ऑफ पेबल्स आर नीडेड टू फिल द होल बी। ओके, तो इस तरह से आपको ये जो मैंने लिख कर दिया है इसको आप टेक्स्ट बुक में नहीं नोटबुक में लिखना। ओके, आप मुझे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, और ये सभी जो आप टेक्स्ट बुक में अच्छे से नोटबुक में चैप्टर नेम डाल के अच्छे से इसको आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर।